नवादा के एक क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। प्रशासन पर ठीक से व्यवस्था नहीं करने और खाना समय पर नहीं देने का आरोप लगाया। सर हम लोग का खाना की दिक्कत हुआ, सुबह से यहाँ बोल रहे हैं कि अभी खाना आएगा, अभी नाश्ता आएगा, अभी खाना आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, ऐसा करके। प्रशासन के समझाने और खाना मिलने के बाद सभी मजदूर शांत हो गए, लेकिन अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखें तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ खाना देने आए अधिकारी भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ते दिख रहे हैं, साथ ही लोगों को अमाननीय तरीके से खाना दिया जा रहा है। सभी लोग झुंड बनाकर खड़े दिख रहे हैं और उन्हें दरवाजे के बाहर से खाने के पैकेट पकड़ाए जा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूर कहते हैं कि यहाँ किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। कल रात में हम लोग 4 बजे यहाँ सुबह उतरे हैं, ना यहाँ का 4 बजे सबसे पहले पार्ट में यहाँ कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है। जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा धजिया उड़ के रखा हुआ है। रूम के अंदर इतना गंदा है, ना साफ सफाई, ना सोने का जगह, ना कुछ। ना ऐसे में सवाल ये है कि प्रशासन और अधिकारियों की मौजूदगी में ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो गैर हाजिरी में क्या होता होगा और क्या हम इन तस्वीरों के साथ कोरोना से लड़ सकते हैं? नवादा से न्यूज़ के लिए अमन सिन्हा की रिपोर्ट।